आगे बढ़ते हैं। जालौर से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। विधायक सुखराम विश्नोई भूख हड़ताल पर बैठ गए। अभी भी रात पर वो धरना स्थल पर ही बैठे हुए हैं। नहरों में अंतिम छोर तक पानी देने की मांग को लेकर विधायक के साथ 51 किसान भी हैं जो अनशन पर बैठे हुए हैं। तो सियासी मोड़ के साथ साथ चुनावी मोड़ में प्रदेश आता हुआ। जालौर से बड़ी खबर, विधायक के साथ 51 किसान अनशन पर बैठे हैं। किसान का मुद्दा एक बार फिर से जालौर इलाके के अंदर गरमाता हुआ। विधायक सुखराम विश्नोई भूख हड़ताल पर और अभी भी रात में धरना स्थल पर ही वो बैठे हुए। अब इसका मतलब ये है कि वो सुबह से पहले या दोपहर तक उठेंगे नहीं। मुमकिन ये भी है कि ये धरना आगे बढ़ जाए, क्योंकि किसानों के मुद्दे के साथ जिस तरीके से वो धरना दे रहे हैं, यकीनन सियासत के साथ साथ संवेदनशील मामले के अंदर वो राजनीतिक तौर पर भी फायदा उठाना चाहते होंगे। लेकिन अगर इस बहाने किसानों का फायदा होता है तो भी इसमें कुछ बुराई नहीं। सवाल यह है कि क्या वाकई में चुनावी साल के अंतिम वक्त में आकर ये सब कुछ याद आता है। बड़ी जानकारी ये कि विधायक के साथ 51 किसान हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं और विधायक सुखराम विश्नोई भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अभी भी रात के अंदर वो धरना स्थल पर ही मौजूद, जहां पर वो लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं। और वजह क्या, नहरों में अंतिम छोर तक पानी देने की मांग यहां पर की जा रही है। विधायक सुखराम विश्नोई भूख हड़ताल पर जालौर के अंदर विधायक हैं। सुखराम विश्नोई किसानों के मुद्दे को उठाते हुए, पानी के मुद्दे को गरमाते हुए, नहरों में अंतिम छोर तक पानी की मांग को जनता के बीच में रखते हुए, किसानों के हित में आगे बढ़ते हुए, सियासत साधते हुए भूख हड़ताल।